दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के प्रज्ञान रोवर को एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस बार प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास के इलाके में ऑक्सीजन प्राप्त किया, जो कि एक बहुत बड़ी खोज है। आगे चल के अगर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर हम इससे पानी का निर्माण कर सकते हैं, जो कि भविष्य में होने वाले इंटर प्लेनेटरी मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रज्ञान रोवर में लगा हुआ पेलोड, जिसको लिप्स कहते हैं, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही हैं। लिप्स का काम मुख्यतः जो चंद्रमा की सरफेस है उस पर लेजर बीम डालना है, जिसके कारण काफी गर्म प्लाज्मा उत्पन्न होता है। इस प्लाज्मा के एनालिसिस की जाती है और देखा जाता है कि वहां पे क्या क्या उपस्थित है। इसके अलावा कई अन्य एलिमेंट प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सल्फर है, टिन है, आयरन है, मैग्नीज है, और टाइटेनियम है, कैल्शियम है। इस तरीके से कई एलिमेंट प्राप्त हुए हैं और ये एलिमेंट भी भविष्य में होने वाली खोजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले विक्रम लैंडर पर लगा हुआ जो पेलोड था, जिसको चास्टे कहते हैं, चंद्र सर्फेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसके माध्यम से भी चंद्रमा की सर्फेस का टेम्परेचर प्राप्त किया गया, जहां चंद्रमा की सर्फेस से -80 mm नीचे -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, वहीं चंद्रमा की सर्फेस का मित्र तापमान 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ऊपर जाके ये मैक्सिमम, अगर हम बात करें सर्फेस से ऊपर जाके, तो ये मैक्सिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो चंद्रयान निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आगे आने वाले कुछ ही समय में हम काफी सारी चीजों को और जान पाएंगे।